विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जेवर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह समेत हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक स्वागत में एकजुट हुए। जेपी नड्डा के जेवर पहुँचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प वर्षा कर फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। यह स्वागत भारतीय जनता पार्टी का है और आप सबका स्वागत है। और जो जोश आपने दिखाया है वो बताता है कि पिछले 6 महीने में जो देश के लिए मजबूती प्रदान करता है और उसमें जिस इच्छा शक्ति और राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता रही है वो इच्छा शक्ति मोदी जी ने दर्शाई है। इसी कारण से ये इतने महत्वपूर्ण और देश के लिए फैसला करने वाले ऐसे फैसले भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ले रही है, जिससे देश मजबूत हुआ है और देश को मजबूती प्रदान किया गया। जो हर्षोल्लास जोश मुझे यहाँ दिख रहा है उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और फिर मैं ये कहूंगा कि यह स्वागत मेरा नहीं है, यह स्वागत भारतीय जनता पार्टी का है और यह स्वागत मोदी जी के द्वारा किए गए कामों का है। जेवर का सवाल है, आपको पता होगा कि आदरणीय मोदी जी के बाद यहाँ जो जेवर के लिए हवाई अड्डा से लेकर के बाकी काम हुए हैं वो इस इलाके की आने वाले समय में तस्वीर और तकदीर बदल देगा। इसको भी हमको समझना चाहिए। एक विकास का कि आप लोग भी जनता के बीच में इन सारी बातों को बड़ी गहराई से रखते होंगे और जनता के भी ध्यान में आता होगा कि मोदी जी के आने के बाद हर इलाके का विकास कितनी तीव्र गति से हुआ है यह भी हमको ध्यान देना चाहिए। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.